अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ अफ्साह फरहान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो गूगल एडसेंस अकाउंट के हवाले से है कि गूगल एडसेंस की जो पिन कोड होता है वो क्या होता है, उसको किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, क्या अप्लाई करने के लिए सिर्फ मोनेटाइजेशन काफ़ी है, या अगर वो आपको अप्लाई करने के बाद भी ना मिले तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब और ऐसी बहुत सारी मालूमात मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पिन कोड क्या होती है। तो ये है हमारी पिन कोड, ये मेरे अपने चैनल की पिन कोड है जो मुझे रिसीव हुई है। ये देखें, ये होता है वो कोड जो गूगल एडसेंस अकाउंट में एंटर किया जाता है। बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं कि उनका चैनल मोनेटाइज हो गया है, खुशी की बात है, होना भी चाहिए क्योंकि आप लोगों की मेहनत तो उसमें शामिल होती है और मैं भी बहुत खुश हुई थी। तो मोनेटाइजेशन काफ़ी नहीं है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है मींस कि आपने फर्स्ट रिक्वायरमेंट यूट्यूब की तरफ से जो होती है वो कंप्लीट कर ली होती है, जिसमें 1K सब्सक्राइबर और 4K वॉच टाइम शामिल होता है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो गई है, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। फिर उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है YT स्टूडियो में जो होता है अर्न का ऑप्शन, यानी डॉलर आपके जो है वो आइकन शो हो जाता है। तो उसमें आपने करना क्या होता है, इस कोड को हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले $10 आपने कंप्लीट करने होते हैं। तो वो कैसे कंप्लीट होंगे, आपकी वीडियो का कंटेंट जितना ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी वीडियो जितनी ज़्यादा अच्छी होगी आपको व्यूज़ उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। तो व्यूज़ जितने ज़्यादा अच्छे मिलेंगे आपको तो आपके डॉलर उतने अच्छे इंक्रीज़ होंगे। $10 कंप्लीट करने के बाद आपने अप्लाई करना होता है, जो थर्ड ऑप्शन होता है। अप्लाई करने के लिए आपको 8 डेज का टाइम मिलता है, जिसमें आपको ये कोड आपके पास पहुंचने के लिए आपको 8 डेज जो है वो दरकार होते हैं। इन केस के अगर आपको अप्लाई करने के बाद भी ये पिन कोड जो है वो ना मिले तो आपने सेकंड टाइम उसको अप्लाई करना होता है, और इसमें 4 टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 टाइम अप्लाई करने के बाद भी आपको ये कोड ना हासिल हो तो आपने क्या करना होगा, आपने ये करना होगा कि आपने करीबी पोस्ट ऑफिस को कॉल करनी होगी, वहाँ से आपने पूछना होगा कि हमारा पिन कोड जो है वो आया है गूगल की तरफ से या फिर नहीं। तो जब आपने वहाँ पर फ़ोन करेंगे तो आपको ये पिन कोड जो है वो हासिल हो जाएगा। बाज़ अवकात क्या होता है कि कुछ लोगों के घर पे जो है वो पोस्ट हो जाता है और कुछ जो है पोस्ट ऑफिस में ही रह जाता है, तो आप ये वहाँ से ले सकते हैं। तो जब आपको ये पिन कोड मिल जाए तो गूगल एडसेंस का जो अकाउंट होता है तो ये वाला जो कोड होता है आपने उस अकाउंट में एंटर करना होता है, तो आप यूट्यूब के परमानेंट पार्टनर बन जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी कोई मालूमात आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।